मई मई रोशनी, क्या रे हंसी आ रहा है? मेरा आवाज सुन के, मेरा कपड़े को देख के, मेरा थोपड़ा देख के हंसो? मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आदत पड़ गया है। जैसे ही तुम लोग हम लोग को देखता है, फटाफट ऐसा कांच गाड़ी का ऊपर करता है। क्या मालूम काहे को डरता है, सारा हम लोग खा जाएगा क्या? डेट लॉस्ट बोलता है साला। अभी और कितना लॉस्ट होने का? हम लोग को रहने के लिए वो जगह है जो ये बड़ा बड़ा साहब लोग है ना, इन लोग को लगता है बॉम्बे में है ही नहीं। कचरा आता है तुम लोग का बड़ा बड़ा कारखाना से, तुम लोगों का बड़ा बड़ा होटल से, तुम लोग का घर से। फिर अपन लोग कैसा हो गया रे बॉम्बे का गंदगी? तुम लोग का गंदगी है ना, इसमें थोड़ा सा जगह ढूंढ के अपना घर बना दे रे, तो फिर हम लोग गंदगी का ऐसा ऐसा जगह पर काय को रहता है हम लोग, तो फिर किधर रहेगा? तुम लोग को मेरे को अपना नवीन खोली में रहने देगा क्या? रहने देने का तो छोड़ो, तुम्हारे आसपास झाड़ू कटका, अरे तुम लोग तो कचरा भी उठाने नहीं देगा, नौकरी देगा। फिर साला लोग बोलता है भीख काय को मांगता है, हाथ पैर ठीक है। अरे हम लोग भीख मांगता है क्योंकि हम लोग को चोरी नहीं करने का है, वो ड्रग्स बिग्स नहीं बेचने का है, मगर फिर भी हम लोग गंदगी काई को रे? क्या दिया रे तुम लोग हम लोगों को? वो दिन वो रेशमा के पेट में जोर से दर्द हुआ, कितना चिल्ला रही थी बेचारी, उसका हाथ पैर पे ऐसा बड़ा बड़ा लाल निशान था, क्या मालूम कब से था। इधर ये बेचारी दर्द से चिल्ला रही थी और वो मेला डॉक्टर साला बोलता है पहला फॉर्म के ऊपर ठीक से लिख के दे आदमी है कि औरत है, और हंस रहा था। 3 घंटा रेशमा रो रो के बेचारी बेहोश हो गई। फिर हम लोग ने जाके श्राप देना शुरू किया ना, तो मेले को अकल आई, आया और 2 इंजेक्शन मार के क्या मालूम किधर गया। 2 दिन के बाद मैं रेशमा को देखने गई ना, तो मालूम चला बेचारी को एड्स हो गया रे। अभी है उधर इच माइम का झोपड़पट्टी में, बेचारी धीरे धीरे मर रही है। कौन दिया रे ये एड्स हम लोग को? हम लोग का ग्राहक लोग क्या कोई हिजड़ा लोग नहीं है? तुम लोग के जैसा नॉर्मल साहब लोग आता है हम लोग के पास, कितना बोलता है हम लोग अरे कॉन्डम वापरो कॉन्डम वापरो, पर साला ग्राहक किधर सुनेगा? और साला हम लोग बॉम्बे का गंदगी, पुलिस पुलिस के पास जाकर क्या बोलेगा, क्या बोलेगा हम लोग ग्राहक कॉन्डम नहीं वापरता है? अरे 1000 साल से तुम लोग हम लोगों के साथ ऐसा ही शुरू किया ना, क्या हुआ हम लोग आज भी इधर ही छाई ना? ना तुम लोग के समाज में कोई स्कूल ना कोई कॉलेज कुछ भी अपन लोग को नहीं दिया, मगर तुम लोग के घर में बच्चा होएगा तो हम लोग मजाक बन के नाचने को आता है। हम लोगों को शादी ब्याह इधर उधर अरे थूकता नहीं हम लोगों को कोई, मगर तुम लोगों का शादी हुआ तो दूल्हा दुल्हन को कितना दुआएं देता है हम लोग आके। अपने माँ बाप को तो सिर्फ अपन लोग ने सपने में ही देखा, हिजड़ा लोग सपना तो देख सकता है ना। जब हम लोग मरता है ना, तो हम लोग का जो लाश रहता है ना, उसको घसीटते हुए लेके जाता है और उसपे चप्पल मारता है थूकता, इसीलिए क्योंकि हिजड़ा लोग को वापस हिजड़ा बन के नहीं आने का दुनिया में, क्योंकि हमारा शरीर है ना वो हिजड़े का है, मगर हम लोग का एक आत्मा है रे, वो आत्मा में बहुत हिम्मत है। तुम्हारा शहर का ये जो जमीन है ना, ये खरीदने का हमारा औकात नहीं है, मगर वो ऊपर वाले का थोड़ा सा हवा, उसके थोड़े से आसमान पे हमारा भी हक है। इसीलिए जब हम लोग को देख के तुम लोग फटाफट कांच बंद करते ना, वो तुम लोग इसलिए बंद करता है क्योंकि तुम लोगों को डर लगता है। हम लोगों को तुम लोग बाहर नहीं निकाल रहे, तुम लोग अपने आप को बंद करता है अपने छोटे से गाड़ी में, अपने गंदे से सोच में कांच बंद करता है। अरे कब तक कांच बंद करेगा रे तुम लोग?